पीढ़ियों से सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी, औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना सुनने का, आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे हैं कम ही बैठे हैं, चले ना जाए। जो लोग कहते थे कि क्या हुआ, आप तो मूल से ही कटे हो साहब, मूल के साथ संपर्क ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में वैकेशन कर जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते हो। मान्यवर हमने दादा बैठो, दादा बैठो, आपको नहीं कह रहा हूं दादा बैठ जाइए, आप कहां कश्मीरी हो। यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिख कर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे, वही बोलते रहे, बैकवर्ड क्लासेज बैकवर्ड क्लासेज बैकवर्ड क्लासेज बैकवर्ड क्लासेज। भाई पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्लीज। अरे यार अधीरंजन, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। अधीरंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है, मैं जरा भी पढ़। अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे वे, माननीय अधीरंजन जी आपके बारे में नहीं बोल रहे। प्लीज प्लीज। मान्यवर मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूं, मेरे हाथ में जो कागज होता है आंकड़ों और तथ्यों को रिफेर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर हूं। जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं, फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया, स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता। मान्यवर जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर मान्यवर पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं,
फिर भी डरते हैं बोलिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर, मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप। आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमें। मान्यवर वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए पाकिस्तान। दादा आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हुए यहां बैठे हुए, 370 के कारण आतंकवाद घटा है, आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईएम न होता, ना एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे, जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, अभी फिर दे देंगे। बेटर सुनो आप, बता दो साहब इनको एक बार, दूसरी गलती, दूसरा भी संदर्भ बोल कर दें आप, गलती नहीं संदर्भ, सॉरी। मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। अरे यार नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मान्यवर मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं? राजा मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए।